राधे दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यान विलेज तो में स्वागत है दोस्तों आप लोग कैसे मेहमत करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत होती है सुबह सुबह से तो चलिए हम दिखाते हैं हमारे यहाँ सुबह सुबह क्या हो रहा है गांव के डेली रूटीन वाले कुछ हो ना हो लेकिन ये काम होता है जो अमृता बाहर करती है तो वह जो है गैया को चारा पानी कर रही चलिए हम आप लोग को दिखा देते हैं बाहर शुरुआत करते हैं अपने तोते के यहाँ से क्योंकि ये सुबह का आनंद बहुत ही मज़े से ले रहा है और इधर अमृता जो है अपने डेली के रूटीन में लग चुकी है ये तो जो है सबसे पहले उठती है मम्मी पहले उठती हैं और फिर सबको उठाती हैं तो अमृता उठ जाती है लेकिन हम लोग जो है थोड़ा सा आलस आ जाता है इसलिए सोए रहते हैं थोड़ी देर बाद उठते हैं और फिर बाहर आते हैं तो देखते हैं अमृता जो है अपना सारा काम कर लेती है यानी गैया को चारा पानी डालना रहता है और इन सब के नीचे गोबर ओबर जो रहता है उठाती है तो देख सकते हैं ये पूरा जो है साफ़ हो कर चुकी है और उसके बाद झाड़ू भी लगा चुकी है अब चारा डालना शुरू कर दी है तो बारी बारी से सारी गैया को चारा डालेगी और उसके बाद जो है द्वार पर झाड़ू लगाएगी गांव में भले ही कोई काम हो या ना हो लेकिन अपना घर द्वार जो है पहले ही साफ़ किया जाता है ताकि कोई ये न कहे कि इनके घर जो है अभी सुबह नहीं हुई है इसलिए पहले बाहर के सारे काम हो जाते हैं उसके बाद अंदर किचन में होता है जो भी काम होता है तो अमृता तो पहले ही कर चुकी है क्योंकि उसे साढ़े छः बजे कोचिंग जाना है इसलिए पहले उठ भी जाती है और उसके बाद हम आ जाते हैं अंदर तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है अभी जो है सोकर उठे है तो चल रहे हैं। पहले झाड़ू उड़ू लगाते हैं और चूल्हे की लिपाही करते हैं फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी और इधर तो प्रीति अपना बर्तन पहले ही ढुल चुकी है रात में ही इस टाइम ढुल रही है बोले सुबह में ठंड लग रहा है टाइम तो दोस्तों सच में सुबह में बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है आप लोग की और ठंड बढ़ रही है नहीं है कमेंट में जरूर बताएगा हमारे और तो हल्की हल्की बढ़ रही है अभी तो मैं जो है कुछ समय पहले साल हो थी अभी को उतार दी क्योंकि जा रही हूँ चूल्हे की लिपाई पाई करूँगी तो इसलिए उतार फिर मैं किचन में झाड़ू लगा लेती हूँ चूल्हे की लिपाई भी कर चुकी हूँ और उसी समय जो है गैस पे चाय रख दी थी तो चाय हमारा बदक रहा है हमारे घर तो सबसे पहले सबको चाय चाहिए जैसे ही सोकर सारे लोग उठेंगे चाय नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा चिल्लड़ भी होने लगेगा कि अभी तक चाय क्यों नहीं बनाए तो इसलिए पहले मैं चाय रख देती हूँ तो उधर हमारा चाय बन रहा है और इधर आ जाती हूँ मैं चूल्हे में आग जलाने के लिए आग तो मैं पहले ही जलाती हूँ इसलिए कि आग हमारी जल्दी पकड़ती नहीं है अगर सारी लकड़ियाँ जल्दी से पकड़ लेती हैं तो आग जलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और दोस्तों हमारे घर जो है आग जलाने के लिए कुछ है नहीं पॉलिथीन बोरी ओरी से हम लोग जो है आग जलाते हैं उससे भी जल्दी नहीं आग जलती है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है भोजन बनने में वरना जो है चूल्हे पर तो गैस चूल्हे से भी तेज खाना बन रहा है पहले तो गांव में जो है मिट्टी का तेल मिलता था जिनके घर लाल कारड रहता था लेकिन अब तो वो भी बंद हो गया अब तो कभी मिलता ही नहीं है तो सोचने की बात ही दूर है खैर छोड़ी है और उधर देख सकते हैं हमारी आग जो है बहुत ही अच्छे से जलना भी शुरू हो गई है तो सबसे पहले मैं चूल्हे पर रख दी हूँ दाल चावल की पतीली और इधर आटा भी गोथ ली हूँ कुछ समय बाद जो है पानी हमारा गर्म हो गया था पतीली में का तो आ जाती हूँ चावल धुलने के लिए दाल तो पहले ही धुल कर डाल दी हूँ और चावल भी हमारा धुला गया है तो चलती हूँ अब जल्दी से डाल देती हूँ क्योंकि अभी रोटियाँ भी बनानी है और आज अमृता प्रीति दोनों लोग स्कूल जाएंगे अमृता तो पहले ही चली गई है क्योंकि उसे साढ़े छः बजे कोचिंग जाना रहता है और प्रीति जो है साढ़े आठ बजे जाती है तो जैसे ही हमारा चावल बना वैसे ही मैं लग जाती हूँ रोटियाँ बनाने के लिए और रोटियाँ बना रही थी तभी प्रीति आकर बोली कि सब्ज़ी नहीं है तो मैं बोली नहीं है तो कह रही थी तब पराठा ही बना दो तो इसलिए मैं यहाँ पे पराठा बनाने लगती हूँ ताकि टिफिन में सब पराठा और उसके साथ अचार या नीम लेकर चले जाएं अगर रोटियाँ बनाऊँगी तो रोटियाँ सब नहीं लेकर जाती बोलती हैं कि रोटियाँ हम नहीं लेकर जाएंगे और आज घर पे सब्जी भी नहीं थी इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और क्या बनाऊँ अगर भजिया भुजिया बन जाता तो उसके साथ सब रोटियाँ लेकर चली जाती थी लेकिन आज नहीं बनाया तो इसलिए बोली पराठा बनाने के लिए तो अमृता प्रीति के लिए मैं पराठा बना रही हूँ चार से पाँच तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ और प्रीति जो है बाल में कंगी करने के लिए गई है बोल रही है जल्दी बनाओ ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास तो मैं बोली जब तक तुम कंगी करोगी बाल में तब तक हमारा पराठा भी बनकर रेडी हो जाएगा तो दोस्तों मेरा दो से तीन बन चुका है एक दो और बनाना है तो वह भी मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ और दोस्तों एक बात बोलो आप लोग से जितना भी जल्दी करो ना उतना ही लेट होता है ना जाने क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है या आप लोग के साथ भी होता होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा मैं तो सोचती हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो लेकिन जल्दी जल्दी में थोड़ा लेट भी हो जाता है फिर भी जब तक प्रीति जो है बाल में कंगे करके आए तब तक, तक हमारा पराठा भी बन जाता है और कुछ समय बाद दोस्तों हमारा सारा भोजन भी बन गया है तो यहाँ पे मैं पापा के लिए लेकर चली आई हूँ तो देख सकते हैं आज का भोजन दाल चावल रोटी और दाल में तड़का दी हूँ अगर तड़का नहीं दिया जा रहेगा तो ये भी दाल सब नहीं खाती हैं जल्दी तो इसलिए मम्मी बोली थी कि एक टमाटर है उसी का तड़का दे दो तो मैं वही दे दी हूँ यानी दाल का छौका लगा दी हूँ और सारे लोग भोजन वोजन कर चुके थे और उसके बाद दोस्तों ये दोपहर क्लिप है यानी इस टाइम साढ़े बज रहे हैं और आज तो मैं जो है धोबी घाट खोल दी हूँ अगर आप लोग को भी कपड़े धुलवाना है तो आप लोग भी लेकर आ सकते हैं क्योंकि अभी इतने सारे कपड़े मेरे लिए कम है मैं तो एक साथ दो से तीन बाल्टी कपड़े धुल लेती हूँ थकान तो बहुत ही ज़्यादा होता है मेहनत भी बहुत लगता है लेकिन सारे कपड़े धुला जाते हैं तो खुशी भी बहुत ही ज़्यादा होती है कुछ समय बाद जो है मेरे आधे कपड़े फिचा चुके हैं यानी एक बाल्टी और एक बाल्टी और रह गए हैं तो मैं इसे भी जल्दी जल्दी फीचना शुरू कर देती हूँ और इस टाइम जो है साढ़े बारह बज गए हैं यानी एक घंटे में मैं एक बाल्टी कपड़े फींची हूँ और देखते हैं कि एक बाल्टी कपड़े जो है बचे हुए कितने समय लगते हैं फींचने में क्योंकि दोस्तों अभी हमें कहीं जाना है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि जल्दी से सारे कपड़े फिंचा के जाएँ और मैं वहाँ पर भी जा सकूँ दीदी के साथ जाना है मुझे और वहाँ पे जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो इसलिए दीदी बोल रही थी कि जल्दी से कर लो और उसके बाद चलते हैं इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द सारे कपड़े फिंचा जाएं। डेली कपड़े जो पहनते हैं तो वह ज़्यादा गंदे नहीं रहते जल्दी धुला जाते हैं लेकिन कुछ पापा के होते हैं और मम्मी के भी होते हैं तो वह सारे कपड़े थोड़े से गंदे रहते हैं तो उसी में जो है थोड़ा ज़्यादा समय लगता है पापा का वाइट रहता है तो इसलिए और मैं सोचती हूँ कि ब्लैक कपड़ा रहे जल्दी से फिछाया जाए वाइट कपड़े पर तो दागी उगी भी लग जाते हैं और जल्दी फिंचाता भी नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा वाइट कपड़े पहनती भी नहीं हूँ और जल्दी लेती भी नहीं हूँ ब्लैक कपड़े रहते हैं तो जल्दी फिचा भी जाते हैं और अच्छा भी लगता है ब्लैक कलर का लेकिन मेरे पास तो ब्लैक है भी नहीं फिर भी मैं तारीफ़ कर रही हूँ बस एक ही टी शर्ट है जो पहनती हूँ और सारा रंग बिरंगा है ताकि जल्दी से जो है फिचा भी जाएँ और पहनने में भी अच्छा लगता है तो दोस्तों आप लोग से बातें करते करते पता भी नहीं चला कि मेरे सारे कपड़े जो है फिंचा भी गए और यहाँ पे देख सकते हैं धुलना भी शुरू कर दी हूँ एक बार तो सारे कपड़े धुल चुकी थी टाइल्स पर रख दी थी और दोबारा से बाल्टी में पानी भरी और फिर सारे कपड़े धुल धुल कर बाल्टी में भर रही हूँ और ये बाल्टी भी भरा चुकी है तो अब समझ में नहीं आ रहा कि ये सारे कपड़े कहाँ फैलाऊँ या नहीं रखूँ तो फिर मम्मी बोल रही थी कि ऊपर रस्सी है तो उसी पर रख दो फिर बाकी के कपड़े मैं रस्सी पे रख देती हूँ और फिर छत पे चली जाती हूँ फैलाने के लिए और दोस्तों फिर ये शाम का क्लिप है यानी इस टाइम जो है चार बज रहे हैं और आप लोग को पता है कि हमारे गैया जो है चार बजे लगती है जो लोग डेली हमारे वीडियो में बने रहते हैं कुछ लोग नए होंगे तो उन्हें ज़्यादा नहीं पता होगा तो वह लोग भी हमारे पिछले ब्लॉग को देख सकते हैं और हमारे बारे में जान सकते हैं दोस्तों मैं आप लोग से बोली थी कि हमें कहीं जाना है तो मैं दीदी के साथ जो है चली गई थी और वहाँ से आ गई हूँ दो घंटे पहले ही गए थे हम लोग जैसे ही कपड़े मेरे फिंचाए थे उसके बाद वापस आ गए तो घर पे आते आते साढ़े तीन बज गया तो फिर जो है मम्मी बोल रही थी गैया लगाने के लिए तो मैं बछड़े को छोड़ देती और उसके बाद मम्मी गैया लगा चुकी हैं और देख सकते हैं इतना दूध दी है आज तो थोड़ा कम दी है जैसे हमारी गैया खाती उतना दूध ही देती है तो यहाँ पर मम्मी लग जाती है नापने के लिए क्योंकि अभी जो है देने के लिए जाना है और हम लोग जहाँ दूध देने के लिए जाते वह हमारे घर से एक किलोमीटर या डेढ़ किलोमीटर दूर है तो इसलिए जल्दी दिया जाए तो सही है वरना शाम हो जाती है तो थोड़ा अंधेरा भी होने लगता है तो इसलिए मम्मी बोली कि हम नाप देते हैं और फिर तुम चली जाओ लेकर तो फिर हम दूध लेकर चले जाते हैं देने के लिए जहाँ पे हमें जाना है उसके बाद दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर राधे राधे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा थैंक यू दोस्तों और हमारा सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप लोग के प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है